अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल शहज़ादा। जी तो फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल के ऊपर पहली बार फर्स्ट टाइम किसी सेल फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो हमारे पास ये सेल फ़ोन है टेक्नो स्पार्क गो, ठीक है, टेक्नो कंपनी का ये मॉडल टेक्नो स्पार्क गो। तो चलें हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल टेक्निकल शहज़ादा सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल टेक्निकल शहज़ादा को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बना हुआ बेल का आइकॉन प्रेस कर दें। जी तो फ्रेंड्स, अगर बॉक्स की बात कर ली जाए तो बॉक्स के ऊपर टेक्नो स्पार्क गो का मोनोग्राम दिया हुआ है, और अगर साइड की बात कर ली जाए तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन, फेस अनलॉक 2.0, 4G सपोर्टेड और 6.1 इंच डॉट नॉच स्क्रीन। डॉट नॉच मतलब ये एक नुक्ता, और नीचे चिन बहुत कम होती है इसकी स्क्रीन की, ठीक है। और नीचे वाली साइड की बात कर ली जाए तो PTA से तस्दीक शुदा, और आपसे गुजारिश है कि PTA से तस्दीक शुदा स्टिकर के साथ ये सेल फ़ोन परचेज़ करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। और दूसरी साइड पे 16 प्लस 2 GB रोम और 2 GB रैम, ठीक है। और ये ब्लू कलर का सेल फ़ोन है, ब्लू कलर और ब्लैक कलर दोनों में अवेलेबल है। और बॉक्स के साथ आपको मिल जाता है टेलीनार सिम के लिए 15 GB, आपको सिंपली इसमें टेलीनार की सिम लगानी है और ये कोड डायल करना है, ठीक है। तो कुछ सेल फोन्स के साथ आपको मिलता है एक गिफ्ट बॉक्स जिसमें पावर बैंक और एक वाटर बोतल मौजूद होती है, ठीक है। तो चले हम इसके बॉक्स की बैक साइड पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाता है टेक्नो स्पार्क गो ब्रांड नेम और ऑपरेटिंग सिस्टम, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 9. तो प्रोसेसर हमें मिल जाता है क्वाड कोर 2.0 और नेटवर्क 4G सपोर्टेड है। डिस्प्ले हमें मिल जाती है 6.1 इंच डॉट नॉच स्क्रीन, ठीक है। तो कनेक्टिविटी हमारे पास है GPS, वाईफाई, ब्लूटूथ, FM, OTG सपोर्टेड। कैमरा हमें मिल जाता है बैक साइड पे 8 MP और फ्रंट साइड पे 5 MP। बैटरी कैपेसिटी इसकी 3000 mAh है, ठीक है। तो 3000 mAh काफ़ी हद तक बेटर है, बेस्ट है, काफ़ी टाइमिंग आपको बैकअप टाइमिंग प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। चलें बॉक्स खोल लेते हैं। जी तो बॉक्स में हमारे पास मौजूद है सेल फोन, और इसको हम ऑन कर लेते हैं। जब तक ये सेल फोन ऑन होता है तो सेल फोन के ऑन होने के बाद हम मिलते हैं, ठीक है। जी तो फ्रेंड्स, हमारा सेल फ़ोन ऑन हो चुका है। तो इसके अगर डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो डिस्प्ले इसका मुझे बहुत पसंद आया, जो कि सेल फ़ोन का नॉर्मली रेंज में, जो कि ये सेल फ़ोन आपको मिलता है 12,999, मतलब 13,000 में आपको ये सेल फ़ोन मिलता है। तो 13,000 प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त डिस्प्ले है इसका। तो अगर कैमरा की बात कर ली जाए तो कैमरा रिजल्ट बैक साइड पे हमें बहुत ही ज़बरदस्त और क्लियर रिजल्ट है, जो कि अच्छी ब्राइटनेस के साथ है और दिन की रोशनी में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और अगर फ्रंट कैम की बात कर ली जाए तो फ्रंट कैम भी काफ़ी ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका। 8 MP आपको बैक साइड पे कैमरा मिलता है और फ्रंट साइड पे 5 MP। और अगर बैक साइड की बात कर ली जाए तो बैक साइड पे हमारे पास एक कैमरा और एक फ्लैश लाइट, और देखने में ये ऐसे लगता है जैसे ड्यूल कैम सेटअप हो, लेकिन ये एक ही कैमरा है। तो डॉट नॉच स्क्रीन का इसका बताया गया है, लेकिन डॉट नॉच इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसके नीचे काफ़ी चीन है इसकी। तो लेकिन अगर हम 13,000 रुपये प्राइस की बात करें तो उस हिसाब से ये काफ़ी बेटर डिस्प्ले है, अच्छा डिस्प्ले है। और अगर बाकी की स्पेसिफिकेशन की इसमें बात कर ली जाए तो हमें मिल रहा है 9 Pi लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड सिस्टम के साथ, और 16 GB इसकी रोम है, 16 GB इंटरनल स्टोरेज और 2 GB रैम। तो नॉर्मली से 2 GB रैम के साथ 13,000 की प्राइस में सेल फ़ोन
इसे रेंज में नहीं मिलता, या तो उसकी रैम 1 GB होती है, और अगर इसके चिपसेट की बात कर ली जाए तो हमें काफ़ी लेटेस्ट चिपसेट इसमें मिल रहा है। तो नॉर्मली इसके अंदर जो चिपसेट दिया गया है ये 17,000 से 18,000 की रेंज में हमें मिलता है, जिसके वजह से इसकी स्पीड भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी स्पीड है इसकी। तो अगर नीचे वाली साइड की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको आपकी माइक्रो USB और ईयरफोन जैक मिल जाता है, और बैक साइड की बात कर ली जाए तो इसकी बैक साइड रिमूवेबल है, और ये साथ में बैटरी भी रिमूवेबल है। यहाँ पे 2 SIM स्लॉट नैनो सिम मिल जाती हैं और एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड की स्लॉट मिल जाती है। और अगर बाकी के बॉक्स की बात कर ली जाए तो बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है इसमें कुछ ये गाइडलाइंस बुक, और इसके बाद हमें इसके अंदर चार्जर मिल जाता है जो कि 1.2 एम्पीयर करंट के साथ आपके सेलफोन को चार्ज करेगा। इसके अलावा माइक्रो USB केबल मिल जाती है, काफ़ी बेटर क्वालिटी की है। इसके अलावा आपको एयरफोन्स मिल जाते हैं जो कि आईफोन से इंस्पायर होकर बनाए गए हैं, तो काफ़ी अच्छा साउंड है इसके एयरफोन्स का भी। तो बाकी और कुछ भी नहीं, बॉक्स में कुछ खास नहीं मिलता, कुछ स्पेशल नहीं है। और सेलफोन की अगर बात कर ली जाए तो 13,000 की रेंज में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल का सेलफोन है, और अगर इंडिया में इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये राउंड अबाउट 5,500 में, मतलब 5,500 में मिलेगा ये सेलफोन। तो काफ़ी ज़बरदस्त, और ब्लू शेप इसकी काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है, बहुत ही ज़बरदस्त सेलफोन है ये। तो ये था हमारी आज की अनबॉक्सिंग की वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक कर दें, और 13,000 की रेंज में इस सेलफ़ोन का मेरी नज़र में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। 13,000 की रेंज में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल का टेक्नो स्पार्क गो का सेलफ़ोन है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल टेक्निकल शहज़ादा को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब के साथ में बना हुआ बेल का आइकॉन प्रेस कर दें। और इसकी फेस अनलॉकिंग की बात की जाए तो काफ़ी बेटर स्पीड है, बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड है इसकी फेस अनलॉक की, तो देख सकते हैं आप। तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल टेक्निकल शहज़ादा को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।